हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज रहे हैं 8 और देख सकते हैं कितना फॉग लगा हुआ है। और अभी चलते हैं पटना। वो भाई साहब देख सकते हैं इतना ठंडा है, देख सकते हैं। और यहाँ पहुँच गया है, क्या है, इमादपुर। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेट बंद है। और थोड़ा इंतजार करते हैं और चलते हैं पटना का। इतना फॉग गिर रहा ना भाई, देख सकते हैं पूरा एकदम पानी टपक रहा है, देख सकते हैं। और ये पूरा चीटे उटर भीग गया, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये पानी टपक रहा है भाई। ठंडा कैसा है? बहुत ठंडा। चलिए और चलते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं गेट कब खुलता है। भाई देख सकते हैं अभी हम लोग गोमटी से निकल गए हैं तो हाजीपुर, यहाँ से 3 किलोमीटर है। और हाजीपुर से पटना जो 15 किलोमीटर होने वाला है। पेट्रोल ले लेते हैं और चलते हैं। और गाड़ी में तेल लेना जरूरी था, तेल उसमें नहीं था। चलिए तेल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पटना की ओर। अभी नाश्ता करके निकल गए और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आज दोस्तों ये मैदान जो है वो बंद रहेगा, मतलब 26 जनवरी के बाद खुलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे सनातन भाई आते हैं या कहीं और मीटअप करते हैं या नहीं आते हैं। बहुत दूर दूर से भैया लोग आए हुए हैं और हम तो पटना के लोकल हुए हैं और बहुत लोग दूर दूर से आए हुए, ये भी बाहर से आए हुए हैं। हम भैया पटना से ही हैं और गांधी मैदान से जस्ट 5-6 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। हमारे भी वहाँ भी लिट्टी चोखा फेमस है, यहाँ भी है, वैसे बात नहीं है। दूसरे इडली लिट्टी चोखा दोनों है भैया, दोनों। आपको बिहार आके कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत ही ज्यादा। बिहार भी तो ज्यादा है ना भैया, बताइए। अरे बहुत ज्यादा था लेकिन प्लीज प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे कंपेयर मत करो, किसी वो सब से मत जोड़ो। दीदी को नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, वो सब ऐसे वर्ड मत यूज करें भैया। नहीं नहीं, दीदी आज बिहार में दीदी नहीं आई? दीदी अभी तो बहुत दूर है, महाराष्ट्र में है ना? अभी होने वाला है, बिहार घुमाते ना तो आएंगे, आएंगे जल्द, फिर उनको भी लेके आएंगे। अरे भाई एकदम पूरा अच्छा से चाव से खाए हैं, ब्लॉग कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो कोई सोचते थे कि मैं उड़ीसा का हूँ, तो कोई सोचते छत्तीसगढ़, ज्यादा से ज्यादा बिहार के रहते थे। और इसके अलावे बोले चलो इसी से बहाने हमारा मीटअप हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावे यहाँ पर जैसे कि मैं जब स्टडी करता था तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेरा मतलब होता था, पसंद आता, अच्छा लगता था। तो उस टाइम बौद्ध भगवान जी का देखा था कि उनका जो उन्होंने जहाँ से अपना ये प्राप्त किया था आपका बौद्ध गया में, तो वो मेरा सपना बहुत पहले से था कि वो जगह मैं जाऊँ पहले कभी। लेकिन भाई मेरा उस टाइम में लायक कभी था ही नहीं कि कभी उस वैसे मेरे पास पैसा है नहीं पॉकेट में, कभी जा पाऊँ उतना दूर तक सफ़र कर पाऊँ। तो वही सपना था जो कि आज कंप्लीट हुई, वहाँ से बोध गया से घूम के आया। वो सबसे बड़ी दिल को सुकून मिला कि वो जगह देख के आए जो कि, और जानते हैं ये खास करके बिहार और झारखंड तो पहले एक ही थी, तो ये तो अपना भाई ही जैसा है। मतलब बिहार कैसा लगा? कितना अंतर है झारखंड और बिहार में? देखिए मैं वैसे तो नहीं देख पाया हूँ पूरा ठीक से, क्योंकि मैं जिस रूट पे आया हूँ, जिस जगह से आया हूँ, वैसे हिसाब से कुछ दिखा नहीं है। अभी देखूंगा, घूमूंगा, उसके बाद ही तो बता पाऊंगा कैसा है। बाकी अभी तक जितना मिले है बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी बिहार के खास करके पटना के फैमिली लोग मिल रहे हैं, वीडियोस देखते हमारी, प्यार करते, और क्या चाहिए हमें। सनातन जी, सभी आपके जितने भी यूट्यूबर व्यूवर्स हैं सब लोग जानते हैं कि सनातन एक बहुत नीचे स्तर से उठकर बहुत लेवल तक आप पहुंचे हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स है। एक साइकिल से सफर होता है, आज 4 चक्का पे चढ़ता है, घूमता है, एक बहुत ही गरीब फैमिली से, इतना हो कैसे पाया, कैसे इतना सुटेबल कर पाए गरीब घर का लड़का जो यूट्यूब का फंडा बनाया और आज लाखों में इनकम कर रहा है? देखिए कारण ये है कि हमने देखा है कि गरीबी क्या होती है। एक एक जो आदमी खाने के लिए तरसता था, हमारे घर में कभी खाना नहीं होती थी, मम्मी जाती थी घास काटने के लिए, वो घास काट के बेचती थी तो उससे पैसा आता था तो हमारी घर खाना बनता था। ऐसे ऐसे होता था, खाना नहीं होता था, दूसरा घर से माड़ मांग के लाना, माड़ बनते चावल निकलता, चावल माड़ मांग के लाता तो वो खा के रह जाते थे, ऐसी होती थी। और ऐसी करके हमारी स्ट्रगल हुई है, खास करके मेरे मम्मी का जो हाथ रहा है हम लोग का करियर बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। मेरा शुरू से ये रहा था कि यार कल दिन अपने आप किस लायक बनाऊँ, जो पढ़ा रहे लिखा रहे उनको अपने कामयाब होने के बाद अपने इस तरह से 4-व्हीलर पर चढ़ा के उनको घुमाऊँ।
जिस जगह पे वो कभी कोयला बेचा होगा, जिस जगह पे वो कभी सब्जी बेचा होगा, जिस जगह पे वो घास बेचा होगा, उस जगह पे उनको घुमाओ और इसके अलावा लोग पूरा दुनिया घुमाओ। और ये चीज था कि अभी जैसे कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, गरीब नहीं रहना भाई, आगे चल के जो करियर बना है उसको और ज्यादा डेवलप करना है, तो वही चीज मोटिव रहा है। लेकिन मम्मी वाला तो सपना नहीं रहा, जितने जानते हो कि अभी वो नहीं है, तो अभी नहीं रहे, पापा जी हैं, लेकिन अभी पापा है तो इतना रहता है कि चलो उनके लिए जो नहीं कर पाए, लेकिन उनको ये अभाव जो ये भी छोटे में अभाव देखे हैं, दूसरा घर में छोटा में ही चल जाते, दूसरा घर में बगाली करते थे, फिर हम लोग भी देखे अपने में बड़े होके भी बगाली करते थे, दीदी लोग भी बगाली करते, दूसरा गांव का सबका बैल लेके, बाकी भी हमारी और तीन बहनें हैं, सभी चीज एक ही है, सभी मेरे लिए बराबर है, कमी तो खलेगी ही। और भाई समय होती है जब तक वो साथ में रहना, फिर उनको दूसरा घर तो जाना ही होता है। अच्छा शादी हो गया, शादी कर लिए, लव मैरिज शादी आपका हुआ है, बहन का जोड़ी टूटा और फिर यहाँ आपके दोनों धर्म पत्नी और पति का जोड़ी इस समय फेमस होना। हाँ अभी तो ये चीज है कि हमारे धर्म पत्नी भी वाइफ भी वैसे ही है, जो कि हमारे कदम से कदम मिला के चल रही है, और बाकी आगे मुलाकात अभी उतना तो बताऊंगा तो पूरा हिस्ट्री निकल जाएगी। नहीं फिर भी कैसे एक आध दो बात बताइए कि आप रिवील नहीं कि अपने नहीं नहीं अभी वो मुलाकात अभी बाद में पता चलेगी, अभी कुछ कुछ चीजें हो गई। पता नहीं था कि इतना सारा गेट होगा। अच्छा, लाइफ में आप दोनों ने कभी सोचे थे कि इतना भीड़, आप लोग भी इतना कैमरा मैन देखिए, बहुत लोग कंफ्यूजन हो गया है कि किधर खड़ा होना है, क्योंकि इतने सारे गेट हैं यहाँ पर, 14 गेट है और ऊपर से इधर ट्रेनिंग हो रही थी ना, तो बहुत लोग घूम भी गए हैं, कोई कोई किधर पता भी नहीं है कहाँ पर है क्या नहीं, इसीलिए थोड़ा सा भी लाइव भी गया था, दूसरा चैनल वो भी बता दिया। कुछ आदमी नहीं आया वो भी है, हम चाहेंगे अगर नेक्स्ट बार अगर आप आइएगा तो थोड़ा मैनेजमेंट कीजिएगा, तो एक अपना यहाँ के लोग को, ताकि बहुत लोग मतलब वो है डिस्टर्ब हो गए। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम लोग सनातन भैया से मिल लिए और आ गए अभी घर पे, और घर पे भी इंट्रो वीडियो शूट कर रहे हैं, और हम लोग सनातन भैया से मिल लिए, पटना गए थे और अभी हम लोग घर आ गए क्योंकि शाम हो गया। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो लेकर के, जब तक के लिए जय हिंद।